आज हम लोग चैप्टर 4 क्यूब 8 क्यूब रूट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्यूब, क्यूब किसे कहते हैं? क्यूब ऑफ ए नंबर, यानी कि कैसे हम किसी भी नंबर का क्यूब निकालते हैं। तो क्यूब का मतलब है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम कोई रियल नंबर x लेते हैं, x का क्यूब मतलब x पे 3 डिग्री या x टू द पावर 3 हम इसको कहते हैं, यानी कि x को हम आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका हम क्यूब निकालते हैं, नंबर ऑफ क्यूब। और एग्जांपल के लिए देखा जाए तो यदि हम 2 क्यूब लिखते हैं तो इसको लिख देंगे 2 × 2 × 2, यानी कि 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8 हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 × 3, यानी कि हम यहाँ पे 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = हो जाएगा 27। सो स्टूडेंट्स, 3 का अगर क्यूब कहा जाए तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो क्यूब का अगर साधारण तरीके से पूछा जाए कि क्यूब का क्या तात्पर्य है, तो क्यूब का मतलब ये होता है किसी भी संख्या को उसके 3 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे हमने 2 का किया, 8 का किया, x का किया। अब आता है बात परफेक्ट क्यूब की, कि परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं। तो परफेक्ट क्यूब का तात्पर्य होता है, नेचुरल नंबर इज सेड टू बी ए परफेक्ट क्यूब इफ इट इज द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। यानी कि परफेक्ट क्यूब उस संख्या को कहते हैं जो किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब हो। जैसे यदि हम 1 का 1 क्यूब लिखते हैं तो यहां पर हो जाएगा 1 × 1 × 1, तो 1 को भी हम परफेक्ट क्यूब कह सकते हैं। यदि हम 2 लिखते हैं तो यहां पर हो जाएगा 2 × 2 × 2, यानी कि 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, 8 भी हमारा परफेक्ट क्यूब हो गया। 3 का 3 × 3 × 3, और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27, तो 27 भी हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि 1, 27, 64, 125, 1000, ये सारे एक परफेक्ट क्यूब कहे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हुई क्यूब और क्यूब के बारे में। अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4A के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। और 4A का जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वह दिया है 8 क्यूब। यहाँ पे 4A का जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है वह इवेलुएट करने के लिए दिया है और लिखा है 8 क्यूब, यानी कि 8 क्यूब का क्या तात्पर्य हुआ है यहाँ पे, 8 × 8 × 8, यानी कि 8 × 8 = 64, और इसमें फिर हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 × 4 = 32, 8 × 6 = 48, और 48 + 3 हो जाएगा 51, यानी कि 8³ हो जाएगा 512। यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4A का जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके सारे क्वेश्चंस को हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब 4A का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और जो हमारा 4A का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये डेसिमल फॉर्म में दिया है, और डेसिमल फॉर्म में क्या दिया है, 1.2 का क्यूब। 1.2 का क्यूब करेंगे तो 1.2 × 1.2 × 1.2, 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 124 × 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 4 = 48, कैरी हो गया 4, 12 × 4 = 48 और 2 हो गया 15, कैरी हो गया 5 और 12 बन जा 12 और 12 और 5 हो गया 17। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 प्लेस पे डेसिमल है, तो यहाँ से भी हम इसके 3 प्लेस पे डेसिमल
लिख देंगे, यानी कि 1.2 का क्यूब हो जाएगा 1.728। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारा क्यूब दिया है वह दिया है फ्रैक्शनल फॉर्म में, और ये जो दिया है वह है 4/7 का क्यूब, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 / 7 × 7 × 7, यानी कि 4 × 4 = 16 और 16 × 4 = 64, इसको लिख सकते हैं 49 × 7, यानी कि 64/7 × 9 = 63 और 7 × 4 = 28 और 28 + 6 = 34। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 64/346 और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 जो भी क्वेश्चन हो आप लोग सॉल्व करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।